ये चाचा पूरा गिरा दिया, देखिए पूरा गिरा दिया, देखिए। हम लोग को करियर लेना है, देख सकते हैं बहुत बढ़िया ट्रैफिक है, पूरा रेड सिग्नल दिखा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। आज का जर्नी है गाइस मेरा रांची का, जैसे रांची एयरपोर्ट ड्रॉपिंग करना है मेरे को। चलिए आप ब्लॉग पे बने रहे, अभी तक मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा गाइस। देखिए चाचा तेल भर रहे हैं, अब फुल करें टंकी यार, मेरा तेल आज इतना 2780 है। अरे ये रहा मेरा दोस्त पेट्रोल टंकी का। हेलो बोलो, रांची का ट्रिप है, रांची एयरपोर्ट ड्रॉपिंग करना है, तेल पर तेल भर के पूरा गिरा दिया चाचा, पूरा गिरा दिया, देखिए पूरा गिरा दिया, देखिए। चलते हैं जा रहे पार्टी के घर, यहाँ से करीबन आधा घंटा लगेंगे मेरे पार्टी घर पहुँचते पहुँचते, या क्लाइंट के घर और रजनी घर जाना मेरे को। चले उतना तो ब्लॉग बने रहे हैं और एंड तक देखें। फाइनली गाइस हम क्लाइंट के घर पहुंच गए हैं और अब टाइम हो रहा है 9:45 हो रहा है, या कि 9:30 में निकले थे, या काफ़ी स्पीड से आए गाइस। शायद इतना तो नहीं आएगा अपना सीट को, ये तो तब तक आ जाएगा शायद, दोनों गिरा। ये सब हो गया, डिग्गी में सब भर गया, निकलेंगे तो लगभग मेरे ख्याल से 1 बजे पहुँचेंगे रांची एयरपोर्ट। चलिए बस सब कितने बजे पहुँचते हैं टाइमिंग देखते हैं गाइस, 10:28 हो रहा है और पहुँचते कितने बजे है बस। चलिए ब्लॉग को बने रहे और एंड तक देखें, आज का जर्नी सफल करते हैं रांची एयरपोर्ट का। रांची एयरपोर्ट से मेरे को जम सकते 2 hours later गाइस, काफ़ी दूर ड्राइव करने के बाद हम रुके हैं राज दरबार में, ये रहा राज दरबार ढाबा, और यहाँ हम गाड़ी पार्क किए अपना, लंच टाइम रुके हैं अब टाइम राज दरबार। गाइस मेरा थाली आ गया है, ये रहा रोटी और प्याज, मिक्स सब्जी, दाल, पापड़ और चिकन। चलिए खाने का आनंद लेते हैं फिर हम लोग। चलिए गाइस खाना खा लिया, अभी निकल एयरपोर्ट की तरफ, और करंट मेरा गाड़ी सामने वेट कर रहे हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, और हम पूरा खाना खा रहे हैं, यहाँ को देख सकते हैं राज दरबार, बहुत ही अच्छा बहुत टेस्ट था। चिकन थाली ऑर्डर किया था 250 रुपये बड़ा, बहुत अच्छा था, 250 के लिए बहुत ही मस्त था थाली। 1 hour later गाइस एयरपोर्ट के बाहर निकल गए हैं, और एयरपोर्ट का जैसे एंट्री है, एयरपोर्ट का अंदर घुसने के लिए 5 मिनट भी नहीं रुके थे एयरपोर्ट के अंदर में, बट क्या बोल सकते 5 मिनट छोड़े और तुरंत आए, या कि उसके लिए 30 रुपया, या कि अंदर एंट्री करने का 30 रुपया लेता है भाई। आप कुछ करो, यहाँ से किलोमीटर है जमशेदपुर का, 120 किलोमीटर दूर है जमशेदपुर रांची से, और मेरे को वहाँ को जैसे अपना आर्टिका का जो ऊपर हम देखे थे पिछले ब्लॉग में देखे होंगे, आर्टिका का ऊपर में क्लियर रखा हुआ था, तो वो क्लियर रहना है मेरे को ऊपर। टोल के बगल में, टोल के बगल मेरे को चाय दुकान मिल गया, तो चाय पी रहे हैं, चाय पियेंगे, अपनी गाड़ी वहाँ पर खड़ी है, चाय पी के डर निकलेंगे जमशेदपुर की तरफ। यहाँ बहुत मज़ेदार चाय बनाएगा इस, चलिए पी लेते हैं उसके बाद निकल चलते हैं, या कि आर मेरे को लगेगा 1.5 घंटा लगेंगे जमशेदपुर पहुँचने के लिए गाइस, या कि अभी 4 बज रहा है, 4 बजे 5 बजे तक हम पहुँच ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से, 5:30 या 5:10 तक पहुँच जाना चाहिए गाइस जमशेदपुर। चलिए गाइस चाय पी के बहुत ही आनंद लगा, अब वो चाचा बहुत अच्छा चाय पिलाए, बहुत मस्त लगा। चलिए गाइस हम निकलते हैं यहाँ से, 1 hour later जमशेदपुर इन कर गए हैं, अब अभी हम पहुँचे हैं गाइस, गाड़ी सामान लेते हैं, हम शोरूम पहुँच गए हैं जो गाड़ी सामान लेने वाले हैं, तो लेते हैं यहाँ से, और अरे एक काम बच जाएगा, वो जो क्लियर लेना है ऊपर का जो आर्टिकल लगा हुआ है वो जो सेल कर दिए हम लोग, तो उसको लेते हैं, पहले यहाँ सामान ले लेते हैं उसके बाद फिर चलेंगे आगे। गाइस मेरा वो काम नहीं हो पाया जो शोरूम गए थे, फैन बेल्ट और अपना एसी बेल्ट चाहिए था तो मेरे को नहीं मिल पाया, अभी हम जा रहे हैं अपना कदमा, या कि भैया घर कदमा में है, जो उसका हम लोग गाड़ी सेल किए हैं उसकी, जिससे हम लोग का हम लोग को करियर लेना है, देख सकते हैं बहुत बढ़िया ट्रैफिक है, पर रेड सिग्नल दिखा रहा है मेरे को अभी वहाँ पहुँचने के लिए, वहाँ तक के लिए 6.5 किलोमीटर लगेगा मेरे को भैया घर पहुँचने के लिए। चलिए गाइस हम लोग चाहते हैं भैया घर, या कि जिसको गाड़ी सेल की है, बस आप लोग ब्लॉग को बने रहे हैं एंड तक देखें, एक काम तो नहीं हुआ और दूसरा काम तो हो ही जाएगा, या कि वो तो वहाँ नहीं है क्योंकि उसे घर से लेना है करियर। चलिए चलते हैं, आप पूरा खाली हो गया रोड,
चलते हैं, पहले तो फिर लेते हैं उसको। कदमा पहुंच गए हैं जो गिरे रहने के लिए। अभी यहाँ गुलचक्कर जगह बोले थे, बट यहाँ से फ़ोन किया बट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। देखते हैं कि फ़ोन करते हैं और दो तीन बार फ़ोन किया, कोई गिरे जी छह करके बोल रहे थे। चलिए देखते हैं, ढूंढते हैं, उसके बाद हम भी लेके जल्दी निकलते हैं यहाँ से। गाइस काफ़ी रात हो जा रहा है कि गाइस करियर तो लेके आ गए हैं। रखते मारता है कि नहीं देखते हैं, करते हैं और फिर लेकर चलते हैं चौमासा। फिर सब फोन को उतरना होगा, जैसे क्या करते हैं देख रहे, एडजस्ट करते हैं फिर निकलते हैं चौमासा। चलिए गाइस हम गाड़ी यहाँ करियर रख दिए, देखा लाइट जलाते हैं, हमने यहाँ करियर रख दिए हैं। पूरा देख सकते हैं पूरा गंदा हो गया करियर पूरा, अब पीछे तो नहीं आता बट कम बीच में लग गया, रख दिए सब सेफ है। अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लगेगा भी नहीं, कुछ नहीं लगेगा, पूरा सेफ ही सेफ है। गाइस जंप पूरा काम ख़त्म हो गया सारा कुछ, मेरा जो काम नहीं हुआ जो फैन बेल्ट और एसी बेल्ट नहीं मिला, आज करियर मिल गया। मेरा आर्टिका का था जो लगाए थे, अब सोच रहे इसमें लगाएं एक्सेसरीज में, इसमें सूट अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसका बहुत बड़ा करियर सब उसको लगाने में बहुत बड़ा है तो नहीं लगेगा, क्या सूट नहीं करेगा। अभी चल रहे हैं, अभी कदमा से निकल गए हैं, अभी साइन कर गए हैं, अभी तेल डालने जाना है। मैं तेल अभी चलेगा 336 चल सकता है, बट अभी तक रनिंग हुआ है 406 रनिंग हुआ सुबह से अभी तक के लिए। अभी चलेंगे पेट्रोल पम्प और तेल डालेंगे या कल के लिए, कल सुबह से मेरे को 7 बजे जाना है भुवनेश्वर ड्रॉपिंग करने के लिए। गाइस चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया और ये मेरे करियर पीछे रखे हैं। ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चलना है हमको भुवनेश्वर। गाइस मेरा ब्लॉग कैसे लगा कैसे नहीं कमेंट करके बताएं, नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। गाइस